कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यह एक लड़की पिछले 2 महीनों से लापता है और पुलिस अब तक उसका सुराग नहीं लगा सकी है। पुलिस इसे बेहद ही पेचीदा केस बता रही है। नाबालिग बेटी का पता लगाने के लिए माता पिता ने ट्विटर पर लोगों से अब गुहार लगाई है। दरअसल 17 साल की अनुष्का 31 अक्टूबर को 2 जोड़ी कपड़ों और 2500 रुपए नगद लेकर घर से निकली थी। 2 महीने बाद भी उसके माता पिता अपनी इकलौती बेटी को खोज रहे हैं। चिंतित माता पिता ने हर कोशिश करने के बाद अब बेटी को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। किसी के लापता होने पर जहां लोग किसी अन्य शख्स को शक की निगाह से देखते हैं, वहीं अनुष्का के माता पिता अपनी बेटी के गायब होने के पीछे भूत प्रेत आत्माओं की दुनिया को वजह बता रहे हैं। उन्हें शक है कि लड़की के गायब होने के पीछे शमनवाद का हाथ है। नाबालिग अनुष्का के पिता अभिषेक ने बताया कि वह 31 अक्टूबर से ही घर से लापता है। उनका कहना है कि वह किसी से प्रभावित थी, क्योंकि वह अकेले घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अब उन्होंने अपनी बेटी को खोजने में सोशल मीडिया पर लोगों का सहारा लिया है। अनुष्का की मां अर्चना ने बताया कि वह शमनिज्म यानी शमनवाद से प्रभावित थी। दरअसल शमनिज्म एक प्राचीन परंपरा है जिसके तहत लोग देवताओं, राक्षसों और पुश्तैनी आत्माओं की अनदेखी दुनिया पर इस तरह विश्वास करने लगते हैं जैसे वे हमारे आसपास ही हों। अनुष्का ने घर वालों को बताया था कि वह शमनिज्म मेडिटेशन करना चाहती है। इस पर घर वालों ने उसे घर पर ही शमनिज्म सीखने को कहा। अनुष्का के पिता का कहना है कि पुलिस अभी तक अनुष्का का पता लगाने में कोई भी सफलता हासिल नहीं कर पाई है। उनके सारे प्रयास अभी तक असफल रहे हैं। पुलिस के हाथ अभी तक ऐसा कोई सुराग नहीं लगा है जिसके दम पर वह 2 महीने से लापता अनुष्का के बारे में कुछ जान सके। इसके बाद माता पिता ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए फाइंड अनुष्का हैशटैग भी चलाया है। अब लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अनुष्के पिता ने यह अपील की है कि उनकी बेटी अगर इन मैसेजेस को देख रही है या किसी ने उसे देखा है तो कृपया उन्हें सूचित करें। इसके साथ ही उन्होंने समन्वाद दिखाने वाले संगठनों से भी अपील की है, अगर उनकी बेटी किसी के प्रभाव में या किसी संगठन में है तो वह उन्हें सूचित कर दे। माता पिता ने बताया कि उन्होंने जुलाई अगस्त के बाद से अपनी बेटी के व्यवहार में कुछ बदलाव देखे थे। उनके मुताबिक अनुष्का अब उनसे ज्यादा बात नहीं कर रही थी। घर वालों को लगा कि ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि वह अपनी पसंद के कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाई थी। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और लड़की का पता लगाने की कोशिश जारी है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने अनुष्का की कॉल डिटेल से लेकर अन्य सभी एंगल्स पर नजर बनाए रखी है। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है।